ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइज आज की इस खूबसूरत से रीडिंग के अंदर आई होप आप सभी लोग ठीक हैं स्वस्थ हैं और सब बढ़िया चल रहा है आप लोगों की जिंदगी में बा ब्यूटिफुल पीपल मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आप सभी लोगों को सलाम नमस्ते सतरकाल आदाब ढेर सारा वाला प्यार देती हूँ गाइज आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि अभी हाल फिलहाल आपको क्या सुनने या क्या जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यू नीड टू लिसन इट और नो इट राइट नाउ वेरी अर्जेंटली कुछ ऐसा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जो कि आपको आगे आने वाले समय में आगे आने वाली ज़िंदगी में बहुत स्ट्रांगली गाइड करने वाला है और कुछ ऐसा जो आपके लिए अभी हाल फिलहाल पता कर लेना जान लेना सुन लेना बेहद ज़रूरी है मैं ब्यूटिफुल पीपल आप सभी लोगों के लिए है आज ये एक बहुत ही खूबसूरत ओपन रीडिंग और uh, मैं आप सभी लोगों को आज की रीडिंग से के पाइल uh, सिलेक्शन से थोड़ा सा अवगत कराती हूँ सो मैं ब्यूटिफुल पीपल यहाँ पे है दो पाइल्स हमेशा की तरह आई ऑलवेज़ यूज़ टू कीप टू पाइल्स वन एंड टू और यहाँ पर क्या है आपको बहुत सारे नंबर्स दिख रहे होंगे अब नंबर्स uh, दिख रहे हैं तो ये तो एंजल नंबर्स हैं डेफिनेटली ट्रिपल वन ट्रिपल थ्री ट्रिपल फोर ट्रिपल एट ट्रिपल सिक्स ट्रिपल सेवन ट्रिपल नाइन ट्रिपल फाइव टेन टेन ट्रिपल टू राइट टू 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 सो माई ब्यूटिफुल पीपल आप लोगों ने क्या करना है इसमें से एक पाइल का सिलेक्शन करना है अपने मन मुताबिक या फिर अगर आप लोगों को कोई नंबर बहुत स्पेसिफिकली इनमें से कोई भी ऐसा नंबर जो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा दिखे ही जा रहा है दिखे ही जा रहा है दिखे ही जा रहा है तो आपने क्या करना है इनमें से उस नंबर वाले पाइल को पिक करना है फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को काफी टाइम से ट्रिपल सेवन दिखे जा रहा है दिखे जा रहा है दिखे जा रहा है तो आपने क्या करना है पाइल नंबर टू को पिक कर लेना है क्यों क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल सेवन है फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को ट्रिपल फोर ट्रिपल फोर बहुत दिख रहा है तो आपने क्या करना है पाइल नंबर वन को पिक कर लेना क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल फोर है अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कोई नंबर ही नहीं दिख रहा वो क्या करें वो इंट्यूटिवली अपने लिए एक पाइल को सिलेक्ट करें पाइल नंबर वन या पाइल नंबर टू कौन से नंबर से आपकी कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा है जिस नंबर के साथ आपकी कनेक्टिविटी ज्यादा है आपको उसी पाइल को पिक करना है आई होप आप समझ गए हैं कि पाइल सिलेक्शन कैसे करनी है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी अदरवाइज आप से बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बारिश कर देंगे इन वर्ड्स की कि भाई आप तो बहुत ही लंबा खींच जाती है बातों को और ये वो फलाना ढिमकाना और वो चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ तो ये आई होप आप लोग पाइल सिलेक्शन समझ गए हैं अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट अपना ड्रॉप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में मुझे पसंद है आप लोगों के कमेंट्स को रीड डाउन करना और मैं बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई भी करती हूँ और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को समझ के सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग पाइल नंबर वन में है हमारे पास ट्रिपल वन ट्रिपल थ्री ट्रिपल फोर ट्रिपल एट एंड ट्रिपल सिक्स और पाइल नंबर टू में है हमारे पास ट्रिपल सेवन ट्रिपल नाइन ट्रिपल फाइव टेन टेन एंड ट्रिपल टू या फोर टाइम टू चलिए शुरू करें आज की रीडिंग चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर वन से हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर वन पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या निकलता है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर वन को यानी कि हो सकता है आप लोगों को ट्रिपल वन ट्रिपल थ्री ट्रिपल फोर ट्रिपल सिक्स या ट्रिपल एट बहुत ज़्यादा दिख रहा है काफ़ी टाइम से आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है ये कार्ड या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की जो कनेक्टिविटी है इनमें छुपे हुए किसी एक नंबर से बहुत ज़्यादा हो रखी है आजकल तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग है ना सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर वन जिन्होंने पिक किया है एंजल नंबर ट्रिपल वन ट्रिपल थ्री ट्रिपल फोर ट्रिपल सिक्स ट्रिपल एट को यानी पाइल नंबर वन को आज की रीडिंग इंट्यूटिव है आपको अपने मन से पॉजिटिवली पिक करनी है या मैं ऐसा कहूं कि आपको वही कार्ड पिक करना है जहां पे आपका एंजल नंबर है जो आजकल आपको बहुत दिख रहा है आज हम बॉटम ऑफ द देख डेक नहीं देखने वाले हैं पता नहीं क्यों अंतर मन से आवाज आई और अंतर मन की आवाज को ठुकराना नहीं चाहिए और अंतर मन की आवाज़ से मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है आपके तीनों काज को देख करके कि आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जी ऐसी चल रही है जहाँ पर आप कुछ बातों को लेकर के गहन चिंतन में नज़र आ रहे हैं मुझे कुछ चीज़ें आपके दिमाग से ऊपर जा रही मतलब तो आपके सर सर के ऊपर से जा रही हैं कुछ आपके मन को बहुत स्ट्रांगली यू नो सोचने पर मजबूर कर रही है कुछ आपकी एनर्जीज़ हैं जो दबी हुई थी वो बाहर वापस से निकल निकल कर आ रही हैं कुछ चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए हैं लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के फंसे हुए हैं कुछ चीज़ों के सवाल आप जानने की कोशिश करें लेकिन आपको उनके जवाब नहीं मिल पा रहे उन सवालों के जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करके ना कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं अपने और डिवाइन के बीच की मुझे ऐसी एनर्जी पता नहीं क्यों फील हो रही है विद, दी, विद दिस दिस कार्ड ओनली एंड एक चीज़ और कार्ड नंबर फाइव है अटैचमेंट्स का कार्ड है बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप एमए फंसे हुए हो जैसे कि आपके साथ ऐसा होता होगा पायल नंबर वन पीपल कि आपके किसी दोस्त का कोई मैटर चल रहा है और आप उसके बीच में आ गए और सारा बिल आप पे फट गया <laughs> होता है ना ऐसा बहुत बार तो मुझे वो कोई सिचुएशन भी यहाँ पे नज़र आ रही है जैसे कि बेफिजूल में किसी ने आपको मतलब आप किसी के बीच में चले गए और बेफिजूल में किसी ने आपको एक खदेड़ के और चल छुट्टी वो वाली बात तो आपके फालतू के अटैचमेंट्स मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पे लोगों से लोगों की बेफिज़ूल की फ़िक्र लोगों के साथ में कुछ नेगेटिव अटैचमेंट्स कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे कि जिसे हम को डिपेंडेंसी कहें ठीक है कार्ड नंबर फाइव एक स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी जो गलत है ठीक है जो बहुत ज़्यादा गलत है और आप अपने आप को एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इन टर्म्स ऑफ लुक्स फिनंसिस मेंटालिटी हर तरीके से आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं पायल नंबर वन पीपल बहुत समय से और मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साइकिक एनर्जी या फिर एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट नज़र आ रहे हैं मुझे आप में से बहुत सारे लोग साइकिक नज़र आ रहे हैं जिन्होंने पायल नंबर वन को पिक किया है आप लोग साइकिक है साइकिक इन सेंस आप इंट्यूटिव हैं आपका मन आपको चीजें बताता रहता है लेकिन हो सकता है कि आप अपने मन की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं या सुन नहीं पाते हैं uh, माया का पर्दा ऐसे पड़ा रहता है ना तो बस वो माया का पर्दा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है बट स्टिल आपके अंदर वो खूबियां हैं जो आपको दुनिया वालों से डिफरेंट बनाती है ठीक है आपको और लोगों से डिफरेंट बनाती है लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं उल्टा आप समहाओ कुछ चीज़ों के अंदर जैसे कहते ना कि एक अड़ जाते हैं आप चीज़ों के अंदर ठीक है अगर सामने वाला कोई पर्सन आपको कुछ समझाने की भी बात करे ना पायल नंबर वन तो आप अड़ जाते हैं तो इस चीज़ से आपको मुझे लगता है थोड़ा सा बचना चाहिए ये एनर्जीज ठीक है बट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है ठीक है नाउ ये कार्ड भी आना चाहता था चलो तो ये कुछ कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं देखते हैं आपके लिए ठीक है ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस है जो आप लोगों को देने मैंने आज टैरो से भी देख लेते हैं ये मैसेज बहुत अर्जेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इस चीज़ की गंभीरता को समझिएगा माना आप लोग फन लविंग पर्सन हैं पाइल नंबर वन पीपल लेकिन एक अरसे से फन की एनर्जी में नहीं है फन की एनर्जी में नहीं है रे बाबा हिडन मैसेज एक ही लेंगे सिर्फ एक ठीक है चलिए शुरू करें शुरू करते हैं ओके माय ब्यूटीफुल पीपल लेट्स गेट स्टार्ट आपकी रीडिंग से हा एस ऑफ द सिक्स ऑफ कप्स ठीक है जी पेज ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ सोज जेमिना इिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो फाइसेस यही एनर्जीज हैं यहाँ पर अभी आप लोग हो सकता है बहुत इमोशनल हो रखे या फिर बहुत ज़्यादा गोविथ द फ्लो की एनर्जी में रहना पसंद कर रहे हैं बट रह पानी रहे वो पता लगे टेम्पर <laughs> इन हाइप्रिस्टिस का कार्ड है यहाँ पे और यहाँ पे है मैग्निफिकेंस करेज फ्री स्पिरिट एंड इनर एल्कमी का कार्ड ये हम बाद में चेक इन करेंगे चलिए अब बताती हूँ आपको अभी हाल फिलहाल क्या बहुत स्ट्रांगली सुनने की जरूरत है कंफर्ट ग्राउंडिंग जर्नी कार्मिक साइकिल जॉय एंड सेफ्टी इन पीस हो बहुत मतलब स्ट्रोंग एनर्जी है यहाँ पे तो चलो जो भी था जो मर्जी था बट यहाँ पे जो चीज आई है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है अभी आपको रिसेंटली क्या जानने की जरूरत है सबसे पहली बात आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को मजाक बना के रखा हुआ है मजीद मजाक बना के रखा हुआ है आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं ले रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं कभी भी उठ रहे हैं कभी भी सो रहे हैं कुछ भी खा रहे हैं कुछ भी पी रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं मतलब बस जिंदा रहने के लिए जो एक बंदे को इंपॉर्टेंट होता है ना वो सब कर रहे हैं बस ठीक है चल रहा है एक प्रॉपर स्कड्यूल नहीं है आपको ठीक है चलो आप अपने कंफर्ट जोन में हो पायल नंबर वन पीपल इट्स टोटली ओके ये आपके ऊपर कोई ऐसे कोई दबाव या कोई प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है कि आपको करना ही करना है चलो आप हो अपने कंफर्ट जोन में लेकिन आपको अपनी एक सेल्फ ग्रूमिंग एक सेल्फ ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने अपनी ग्राउंडिंग नहीं करी तो टेलिंग यू गाइस आपके अंतर मन की जो एक सिक्योरिटी है ना वो खत्म हो जाएगी याद रखना आप अंतर मन से बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे आपको बोला जा रहा है बहुत स्ट्रांगली ग्राउंडिंग करने की जरूरत है अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ग्राउंडिंग हम क्यों करें क्या जरूरी है मैंने बहुत बार बताया है ग्राउंडिंग कैसे करते हैं प्लांटिंग करके गार्डनिंग करके मिट्टी से अपना कनेक्शन बना के ठीक है या फिर आप क्या कर सकते हो जमीन पे बैठ के कोई गेम खेल लिया जमीन पे बैठ के खाना खा लिया कभी ज़मीन पे फर्श पे या ना तकिया लगा के सो गए ग्राउंडिंग का मतलब होता है जो भी नेगेटिव हमारे बॉडी के अंदर से निकल रहा है वो जमीन का जो तत्व है अर्थ एलिमेंट है वो अपने अंदर सोख ले क्योंकि हम क्या है हम धरती का एक तत्व है जिससे मतलब पता है ना आपको फाइव एलिमेंट से ह्यूमन बॉडी बनी है तो उसमें से ये जो इम्पोर्टेंट तत्व है ना वो ज़मीन है तो ताकि उस चीज़ की जो एनर्जी है जो नेगेटिविटी है वो सोख ले धरती ठीक है तो हमें इसलिए ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है क्या आप कुछ समय से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़बाजी में है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ नहीं कहाँ जा रही है और आपका कोई प्रॉपर स्केड्यूल नहीं है तो आपको बोला जा रहा है कि एक प्रॉपर स्केड्यूल बना लो एक प्रॉपर तरीके से उठना बैठना खाना पीना कर लो ठीक है खुद की सेहत पे ध्यान नहीं है कुछ नहीं कर रहे हो बस लगे हुए हो आपके जो भी इश्यू चल रहा है जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो तुरंत से सॉर्टेड हो जाएगी अगर आप अपनी लाइफ का एक प्रॉपर स्केड्यूल मेंटेन कर लेते हैं तो अगर नहीं करेंगे तो आई एम टेलिंग यू गाइस सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी ठीक है टेम्परेंस का कार्ड है दैट मींस इम्बैलेंस हो जाएंगे बहुत नेगेटिव तरीके से आप अपने अंदर के पोटेंशियल को खो रहे हैं गाइस आप ये चीज़ मत भूलिए दैट यू गाइस आर ऑन अ जर्नी मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पर अपने आप को लाइक लेकर आए हुए नजर आते हैं लाइक आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है पाइल नंबर वन पीपल हम्म आप हो सकते ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकता है एक प्रॉपर साइकिक जर्नी में सेल्फ अवेकनिंग की जर्नी में ठीक है स्पेशली वो लोग जिनको ट्रिपल वन बहुत दिख रहा है अगर आप लोग एक जर्नी का पार्ट है आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि कुछ समय से टावर मोमेंट आ के नेगेटिविटी आ के आके आ, आ के आप किस चीज़ के अंदर आ गए आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए जहाँ पर आप अपने आप को बदल पा रहे हैं और फिर अगर आप बीच में रुक गए हैं आपने अपनी ग्रोथ को रोक दिया है तो आई एम टेलिंग यू गाइज बहुत गलत कर रहे हो पायल नंबर वन पीपल प्लीज़ अपने लाइफ को थोड़ा सा स्केड्यूल में ले आइए ठीक है पहली चीज़ दूसरी चीज़ ओवर थिंकिंग करते रहते हैं हर वक्त करते रहते हैं हर वक्त इसने मेरे साथ ऐसा किया उसने मेरे साथ वैसा किया ऐसा करके आपको पता है आप क्या कर रहे हैं ऐसा करके आप अपनी ही लाइफ को नेगेटिव गड्ढे में डाल रहे हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया जिन्होंने भी आपके साथ जो भी सलूक किया वो एक कार्मिक साइकिल पैटर्न था उनके साथ आपके कुछ कर्मा थे वो हो गए अपने आप को इतना इमिच्योरली चार्ज मत कीजिए पेज ऑफ कप्स कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाए ओवर थिंकिंग करते हैं खुद से प्यार नहीं कर पाते हैं भगवान का साथ महसूस नहीं कर पाते जबकि हो सकता है एंजल नंबर दिख दिख के दिख दिख के भगवान आपको हमेशा बताने की कोशिश करते हो दैट येस वी आर विद यू इट्स ओके चीज़ें हो जाएंगी सही बट आप वो चीज़ नहीं समझ रहे एंड सेकेंड सॉरी थर्ड इन अ पीस आप अपने मन की शांति चाहते हो ना थोड़े से मजी मस्ती मज़ाक फन में भी अपना समय बिताओ ठीक है इन अ पीस तभी मिल सकती है जब आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू करो खुद के बारे में सोचते नहीं हो दूसरों के बारे में सोचते रहते हो ठीक है घर है परिवार है ये है वो है फलाना ढिमकाना ये बंदा मेरा ये बंदी मेरी इसने ऐसे किया उसने वैसे किया ठीक है ना यार इट्स ओके okay. चलता है जो हुआ सो हुआ प्रेजेंट पे ध्यान दो हुँ? तो आप लोग एक जर्नी का पार्ट है उसे समझ जाइए सीरियस ले लीजिए इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को सुनने की जरूरत है वो है एक स्कीड्यूल बना लीजिए सोचते हैं जिम जाना है सोचते हैं एक्सरसाइज करनी है सोचते हैं हेल्दी फूड खाना है सोचते हैं टाइम पे सोना है सोचते हैं है, है मेडिटेशन करना है सुबह जल्दी उठना है कुछ नहीं कर पा रहे हो एक प्रॉपर स्केड्यूल की जरूरत है पायल नंबर वन पीपल नहीं कर पाओगे अपने इनर पोटेंशियल को खो दोगे कुछ अच्छा नहीं मिल पाएगा ध्यान रखना मेरी बात ठीक है आपको यहाँ पे जो हिडन मैसेज है वो दिया जा रहा है इनर पीस अंतर मन की शांति ओम का मेडिटेशन या थर्ड आई का मेडिटेशन करना शुरू करें ओम की चैटिंग या थर्ड आई मेडिटेशन मैंने बहुत वीडियोस में बताया भी है कि किस तरीके से ओम की चांटिंग करनी चाहिए मैं फिर से बता रही हूं क्योंकि आया आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगी आपको बहुत गहराई के साथ करना है कैसे जैसे ही आपने सांस लेनी है ओ। ये मैंने फिर भी जल्दी खत्म कर दिया आपको इसको और स्मूदनेस के साथ लेके आना है जैसे ही ओम बोला सांस को रोका और फिर ओ इस एनर्जी को रखना है आपने समझ रहे तो आप 11 चैंटिंग कर लीजिए कुल मिला के ठीक है आप देखना आप लोगों को कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी टेलिंग यू दिस थिंग समझ रहे हो देन आपके लिए है कि आ, आपका जो अंतर मन है ना आपको बोल रहा है कि आपको अपने आप से प्यार करना चाहिए ठीक है इनर एल्कमी इज अचीव्ड वेन यू रिएक्ट टू फीयर विद लव आपके जो अंतर मन की जो एक सराउंडिंग है वो प्रॉपर सही तरीके से तब रहती है गाइज जब आप फियर को भी प्यार की नज़र से देखें जब आप अपने आप को इम्पॉर्टेंस दें सेकेंड मैसेज है आप एक फ्री स्पिरिट है ठीक है तो जो हो रहा है होने दो भाड़ में जाने दो जो एडवाइस आई है आपके लिए उसको इम्पोर्टेंस दे दो स्केड्यूल प्रॉपर कर लो काम खराब हो जाएंगे बहुत गंदे तरीके से करेज का कार्ड है दैट मीन्स लिव योर लाइफ फियरलेसली विद करेज स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन अगेन डिटर्मिनेशन की बात हो रही है देन थर्ड मैसेज है यू आर अमेजिंग मैग्निफिसेंट एंड यूनिक बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर इनफ क्या है आप आप अपने आप पे सक्षम हैं कारीगर हैं आप कारगर हैं आप अपने तो आप में तो आपको खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है ठीक है नाउ माई ब्यूटिफुल पीपल इम्पॉर्टेंट मैसेज भी दे दिया है मैंने सारे मैसेजेस भी आ गए हैं सारी एनर्जीज भी आपको पता लग गई हैं सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया और फिर भी आप नहीं करते हो ना बहुत गलत बात है भाई ठीक है फिर जो लोग अपने ऊपर मेहनत नहीं कर रहे ना आज उन्होंने ये वीडियो देखी सुना अच्छा ठीक है स्केड्यूल प्रॉपर करना है चलो ठीक है देखते हैं जीवन शैली तो मेंटेन करनी है यार वो भी नहीं कर रहे हो फिर उसके बाद कमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिखेंगे ना करने के बाद भी कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ अरे भाई ख़ुद पे थोड़ा सा फोकस करो बहुत ज़रूरी है ठीक है तो ये आज की रीडिंग मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी लेकिन कोई बात नहीं आप डिसलाइक कर दो वीडियो कोई चक्कर नहीं लेकिन एटलीस्ट ये वीडियो जिस तक पहुंचनी है ना उस तक डेफिनेटली पहुंचेगी और जिसको इससे गाइडेंस लेनी है वो डेफ़िनेटली लेंगे और अपनी ज़िंदगी को सुधारेंगे सो माई ब्यूटिफुल पायल नंबर वन पीपल ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा ठीक है लव यू ऑल गाइज बाय हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पायल नंबर टू पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइज आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर आई होप आप सभी लोग ठीक है स्वस्थ है सब बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर आप सभी लोगों को ढेर सारा वाला प्यार आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग तो पायल नंबर टू को अगर आप लोगों ने पिक किया है यानी कि आप लोगों ने पिक किया है ट्रिपल सेवन ट्रिपल नाइन ट्रिपल फाइव टेन टेन या फिर फोर टाइम टू को यानी कि हो सकता है कि ये नंबर्स आप लोगों को अभी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं या तो या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की कनेक्टिविटी स्पेसिफिकली इसी नंबर पे बनी है तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग इसका इस पाइल को मैंने यहां रख दिया ठीक है चलो जी शुरू करें सबसे पहले मैं बताऊंगी एनर्जीज वन टू थ्री बॉटम ऑफ द डे का आज नहीं देखेंगे पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं है अंतर मन से ही है ये आवाज़ तो हम नहीं देखेंगे हाँ फाइल नंबर टू पीपल कार्ड नंबर थर्टी फोर टेन एंड वन डोर टू हीलिंग डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस द सन एंड स्टोम warning ओके ओके ठीक है बट uh, चलो तो हम निकालेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बिता दूँ जिसके मेरा मोमेंट हम्म आप लोगों की एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो रखी है वाइस वर्सा इन सेंस कि कुछ चीज़ों को लेकर के तो बहुत हैपनिंग बहुत अच्छी बहुत बेहतरीन और कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ही वाहियात बहुत ही ख़राब इनफैक्ट काफ़ी टाइम से आपने अपने अंदर एक चेंज देखा है पाइल नंबर टू पीपल और वो चेंज किस तरीके का है वो चेंज ऐसा है कि जो पसंद है मुझे उसके लिए मैं खड़ी हूँ या मैं खड़ा हूँ जो मुझे नहीं है पसंद वो मुझे बस नहीं पसंद मुझे उधर जाना ही नहीं है हम्म ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ आप लोगों की एंड आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ पीपल हेयर जो uh, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं ठीक है ठीके? लेकिन कुछ चीज़ में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें या तो ऐसा हो सकता है कि ये एनर्जी ऐसे है ठीक है ये एनर्जीज ऐसे हैं कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कार्ड नंबर टेन कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ कुछ ऐसा जिसने आपको झुंझुला के रख दिया चेंज करके रख दिया जिसने आपको यू uh, नो you know, बहुत अलग तरीके से अपग्रेड किया आपकी एनर्जीज को बहुत अलग तरीके से अपग्रेड किया और आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया संभाव कुछ ऐसा बुरा आपके साथ घटित हुआ ना जिसकी वजह से आप 360 टर्न हो गए अपनी लाइफ के अंदर आपने अपने आप को इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस और जब आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी शुरू करी तो आपने अपने अंदर एक बदलाव देखा ट्रांसफॉर्मेशन देखा एनाओ सन का कार्ड है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे पता है क्या महसूस कर रही हूँ कि जो लोग आपको देखते हैं ना लाइक जिस तरीके से लोग आपको परसीव कर रहे हैं अरे यार इसकी ज़िंदगी जैसी तो जिंदगी सबकी होनी चाहिए यार मतलब कितनी खुश है यार यार कितना बढ़िया बंदा है यार इसके पास तो सब कुछ है इसके पास तो ये इसके पास तो वो मतलब लोग जैसे आपको परसीव कर रहे हैं ना पायल नंबर टू uh, पीपल आप उसके उलट जिंदगी जी रहे हैं मुझे ये एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ कि जिस तरीके से आप रहते हैं पायल नंबर टू पीपल आप जिस तरीके से रहते हैं ना लोग आपको उलटे समझ रहे हैं ठीक है समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ वही चीजें यहाँ पे इस चीज़ की वजह से समाओ आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और इसी चीज़ की वजह से आप अपने आप को थोड़ा सा नेग्लेक्टेड फील करते हो और ऐसा भी हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि अब आप अपना जो पुराना पोटेंशियल है ना उसको री रीगेन कर सको वापस से वापस से लेकर आ सको ठीक है ओके आप लोगों के लिए ज्यादा ही मैसेजेस आए ये मैसेजेस हम चेक करेंगे अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी देर बाद कि डिवाइन आपको और क्या कहना चाहती है कौन सा वो अर्जेंट मैसेज है जो अभी आप लोगों को सुन लेना चाहिए जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है नहीं सुनोगे तो बाद में पछताओगे नाउ लेट मी टैरो से और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे लग रही है पायल नंबर आ, टू पीपल इस स्ट्रॉन्ग वार्निंग के बाद आपने अपने आप को बहुत सशक्त किया है और आज जो कुछ भी अच्छा आपके ज़िंदगी में है ना वो बिकॉज ऑफ़ यू ओनली लाइक बिकॉज ऑफ यू उसका श्रेय सिर्फ आपको जाता है आपने उस पर मेहनत करी है मुझे लार्ज बैटल की एनर्जी आ रही है लार्ज बैटल लाइक कोई ऐसा युद्ध जो सिर्फ और सिर्फ आपने अकेले लड़ा है लाइक कोई नहीं था आपके आसपास उस वक्त एंड एक इंपॉर्टेंट मैसेज हिडन इंपॉर्टेंट मैसेज चलिए तो शुरू करते हैं क्या है आप लोगों के लिए फाइव ऑफ सो किंग ऑफ पांटिकल्स माई फेवरेट फोर ऑफ पानिकल्स सारे जितने भी राजा है ना टैरो के अंदर सबसे फेवरेट है किंग ऑफ पांटिकल्स ही इज लाइक मैं बताता हूँ अच्छाई की हदें कि मतलब एकदम लव मटीरियल और हजबेंड मेटीरियल बनता Here we have the wheel of fortune और, judgment. और कुछ मैसेजेस है वो हम बाद में देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं ठीक है? हा क्या जान लेने की जरूरत है आप लोगों को पाइल नंबर टू पीपल एवं गैसेस आप लोगों ने कार्ड्स देखे हैं मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी सुपर एक्साइटेड हो गए होंगे क्योंकि उन लोगों को पता लग गई है संभाव Uh, देखिए अभी आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात सुनने की जरूरत है वो है कि पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ लाइक फाइव ऑफ सोच्स का कार्ड है पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ जितना भी नेगेटिव हुआ जैसे भी हुआ जो भी हुआ राइट नाउ इट्स हाई टाइम फॉर यू गाइज आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाई टाइम है अभी कि आप अपने आपके दिल के दरवाज़े जो हैं वो खोल दें अपने इमोशंस को हील कर लें और अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लें थोड़ा सा बदलाव ले आए अपनी पर्सनालिटी में अपने व्यक्तित्व में क्यों ना क्योंकि कोई है आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपको ट्रू पोटेंशियल देने वाला है जी हाँ फाइल नंबर टू पीपल समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ आपको हील करने के लिए आपकी ज़िंदगी में एंटर होने के लिए और अब सिचुएशन पता है क्या है सिचुएशन ये है कि अगर आपने अपने दिल के दरवाजे ढंग से खोले नहीं ना तो सिचुएशन ये हो जाएगी कि वो जो बंदा या बंदी जो भी आपकी जिंदगी में आ रहे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए आपको हील करने के लिए वो कैसे अंदर आ पाएंगे आपने अपने गार्डेड अप कर रखे हैं जैसे आपने एक दायरा बना रखा और उस दायरे में आप बैठे हुए हैं उस दायरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो पाइल नंबर टू पीपल अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी इन्हांस हो इम्प्रूव हो आगे बढ़े ठीक है या अगर आप कहीं अटक गए हो तो आपको बोला जा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट कोई आ रहा है किंग ऑफ पांटिकर्स समवन इज कमिंग कोई आ रहा है जिसके साथ अगर आप लोग अभी अनमैरिड हैं तो आपकी शादी हो सकती है अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको आपके रिलेशन के अंदर आपके मैरिड मैरिज रिलेशन के अंदर आपको हैप्पी फील कराए या फिर अगर आप एक अनहैप्पी स्ट्रांग वार्निंग का कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ सोच्स के साथ अगर आप अनहैप्पी नेगेटिव मैरिज के अंदर फंसे हुए हैं तो आपको उस चीज से निकालने के लिए ठीक है तो स्ट्रांगली और हैप्पीली मैं यहाँ पे करियर से रिलेटेड कुछ नहीं देख रही हूँ आई एम टेलिंग यू पायल नंबर टू पीपल करियर या पर्सनल फ्रेम से रिलेटेड मैं कुछ नहीं देख रही हूँ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है अभी कि प्लीज 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 अपने दिल के दरवाजे खोल लें अपने आप को हील कर लें बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद अपने लाइफ के अंदर आई हुई अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं गवा देते हैं कि य मुझे नहीं चाहिए और सच में वो बंदा या वो बंदी या वो पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे लिए बेस्ट होती है फन एंड फूड क्या क्या मैसेज है देखे तो देन वी हैव थॉट्स फिर है ग्रैटिट्यूट देन वी हैविवनेस मनी एंड पावर क्या बात है एजुकेशन एंड प्लानिंग क्या आ, आ रहा है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि कोई पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट अभी आप लोगों को क्या सुनना है कि अपने दिल के दरवाज़ों को खोल दें अपने आप को पैम्पर करें भगवान को ग्रैटिट्यूड दें जो कुछ भी है आपके पास उस चीज़ के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई पास्ट का पर्सन आ रहा है जिसने आपके साथ में बहुत नेगेटिव यू नो क्योटिक एनर्जीज क्रिएट करी हो नेगेटिव एनर्जीज़ क्रिएट करी हो एंड फाइनली वो जो पर्सन आ रहा है तो आपको उसको माफ़ करना है या तो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा लेना है ठीक है अपने करियर या अपने यू नो पाथ की तरफ अपने लाइफ पर्पज़ की तरफ या फिर आपको उस पर्सन के साथ अगर अच्छा महसूस हो और वो पर्सन सच में यू नो गिल्टी है तो आपको उसको माफ करके उसके साथ अपनी जिंदगी यू नो स्टार्ट कर देनी है आपको अपने थॉट प्रोसेस को सावधान रखना है सही सोचना और सही लेवल पे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है पाइल नंबर टू पीपल तो कोई बंदा आ रहा है या कोई बंदी आ रही है जिसको लेकर के आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है फगीवनेस रखनी है अपने प्योर थॉट प्रोसेस रखने हैं प्रॉपर प्लानिंग करनी है उसके साथ कहीं अच्छी जगह पे जाना है घूमना है फिरना है करना है लेकिन अपना दिल ओपन रखना है किसी को भी लेके कोई गर्जिश कोई नेगेटिविटी कोई फ्रस्ट्रेशन ईर्षा लोभ लालच इसने मेरे साथ ऐसा किया था मैं इसके साथ क्यों ना करूं ऐसा ये सब चीज़ें नहीं रखनी है जब तक आप अपने मन की व्यथा को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप कुछ अच्छा अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाएंगे व्हील ऑफ़ फॉर्च्यून का कार्ड है आप लोगों की जिंदगी फाइनली बदल रही है एंड क्योंकि जजमेंट का कार्ड तो आई मस्ट से पाइल नंबर टू पीपल भगवान जी आपकी ज़िंदगी में ना आपको जस्टिस दे रहे हैं ठीक है आपने अब बहुत कर ली बहुत मेहनत कर ली बहुत परेशान हो लिए भगवान अब फाइनली आपको यू you नो know, न्यू बिगनिंग्स दे रहे हैं जो भी आप चाह रहे हो ना मैनिफेस्ट करना वो फाइनली आ रहा है चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं न्यू बिग्निंग्स आ रही हैं न्यू फॉर्चून क्रिएट होने वाला है ओके नाउ यहाँ मैसेज क्या था आई विल मेक योर विश ट्रू सून वेरी सून तो भगवान जी का ये मैसेज भी है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए कि वो आपकी एक बहुत ही कोई बड़ी और पॉजिटिव और प्यारी सी विश है जिसको बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं आई विल मेक योर विश ट्रू वेरी सून ठीक है बहुत जल्दी भगवान जी आपकी कोई विश है जिसको भी पूरी करने वाले हैं नाउ आप अमेजिंग हैं आप मैग्निफिसेंट हैं यूनिक हैं इम्पॉर्टेंटली आप इनफ हैं अपने आप को इस तरीके के अफॉर्मेशंस दें अपने विजन को क्लियर रखें ट्रस्ट रखें अपनी एबिलिटीज़ पे, ठीक है अपने मन की आवाज़ को हमेशा सुनें उसे कभी भी इग्नोर ना करें और भूलें ना कि आप एक बहुत बड़ा सोल पर्पजस लेकर बैठे पाइल नंबर टू पीपल जिस सोल पर्पज़ को कंप्लीट करने के लिए आप इस धरती पर मौजूद हैं तो माई ब्यूटिफुल पायल नंबर टू पीपल आज के रीडिंग के अंदर आप लोगों के लिए जो अर्जेंटली आपको जान लेना चाहिए सुन लेना चाहिए समझ लेना चाहिए वो है कि अपने आप को पास्ट से जोड़ के मत रखना अपने आप को उस नेगेटिव फ्रेम से हटाना आगे बढ़ना ताकि आप जो नया आ रहा है आपकी ज़िंदगी में उसको अपनी लाइफ में ग्रहण कर सको ठीक है सो माई ब्यूटिफुल पीपल जिन्होंने भी पायल नंबर टू को पिक किया था ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, डीएम कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं मेल आईडी पे फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा